अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नायाब स्पीक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हम कैसे रिप्लाई करें इंग्लिश में, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, लाइक वो फिर डरते हैं कि कहीं हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ऐसे भी होता है, कभी कभी ये मेरे साथ भी होता है, तो इस वजह से ना, तो इसका ना एक सॉल्यूशन है जो कि मैंने खुद एक वीडियो देखी थी, उसमें देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूं डेमो दिखा के, तो इससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी का प्रोजेक्ट लिया हुआ है किसी क्लाइंट का, और वो फॉरेनर है और वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, एंड यू आर जस्ट कंफ्यूज कि हम ना उसको जवाब कैसे दें, अगर सही है या नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसका मैं सोल्यूशन बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है ईजी उर्दू। तो प्ले स्टोर में जाके ईजी उर्दू इंस्टॉल करें, ईजी उर्दू कीबोर्ड, वेल मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो ये वाली है एप्लीकेशन ना, तो ये इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है अपना जो है ना एज ए कीबोर्ड। तो आपको दिखाती हूँ ये एप्लीकेशन यूज़ कैसे होगी। ठीक है, पहले तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इजी उर्दू कीबोर्ड, उसके बाद इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को टेक्स्ट करना है, अपने क्लाइंट को या किसी को भी, तो लेट मी चूज हर। सो यहाँ पे ऑप्शन है ईजी उर्दू एल के बाद ना, तो ये वैसे जो है ना ऑन होता है, आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा इसको टैप करके ना। उसके बाद क्या है, ये रिकॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, रिकॉर्डर, उसको आप क्लिक करके आप उर्दू में कुछ भी बोलेंगे ना, तो वो इंग्लिश में आ जाएगा, खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन ये अभी वर्क नहीं कर रहा बिकॉज मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, तो नेटवर्क एरर दे रहा है ना, सो इस वजह से, अदरवाइज मैंने चेक किया है तो वो काम कर रहा है, आप लोग करके देखिएगा। तो ये काफ़ी लोगों के उस काम आएगी, वैसे भी काफ़ी सारे लोग जानबूझ के भी इंग्लिश में कमेंट वगैरह करना चाह रहे होते हैं, भरम मारने के लिए कि हमें अंग्रेज़ी आती है एंड ऑल। तो कभी आपको फेसबुक पे कमेंट करना पड़े, या इंस्टाग्राम की किसी पोस्ट पे, या फिर आपको किसी अपने फॉरेनर्स क्लाइंट से बात करनी पड़े, तो ऑब्वियसली ये जो है ना एप्लीकेशन आपके ज़रूर काम आएगी, बिकॉज़ ये मेरे भी काम आती है और मैंने यूज़ की हुई है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती इस वजह से ये करें, नहीं, सबको इंग्लिश आती है माशाल्लाह से, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन होता है ना कभी कभी मसला हो जाता है, कोई कोई वर्ड भी नहीं आता, इवन मुझे भी नहीं आता कुछ कुछ, तो फिर मैं यूज़ करती हूँ देखने के लिए भी कि मेरा वर्ड जो है सही है या नहीं है। तो ये एप्लीकेशन आप ज़रूर यूज़ करिएगा, डोंट वरी, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, तो वो बार बार अपने फ्रेंड्स से भी पूछते हैं कि यार ये देखो ये मैंने सही लिखा है इंग्लिश में एंड ऑल, तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यहाँ, और किसी को भी टेक्स्ट करना हो तो वो खुद ब खुद जो है ना रिकॉर्ड करके आप उर्दू में रिकॉर्ड करें, खुद ब खुद इंग्लिश में हो जाएगा ट्रांसलेट, तो आपको कोई मसला भी नहीं होगा। और क्या है ना, इससे आपको सीखेंगे भी कि ये वर्ड का मतलब ये था इन इंग्लिश। तो अगर आपकी ये वीडियो ज़रूर अगर पसंद आई है, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करें, लाइक करें, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। बस आज के लिए यही था, कल मैं एक और वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी।